हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2024 BDS की स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। हर एक स्टेट की कट ऑफ के बारे में जानेंगे, हर एक कैटेगरी के बारे में जानेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आपका 400, 450, 500, 550 नंबर के आसपास स्कोर बन रहा है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और अगर आप MBBS से चूक जाएँ तो BDS में दोस्तों आपके कितने चांसेस है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों, अगर आपका 565 स्कोर आ जाता है तो BDS आपको आंध्र प्रदेश में, अगर आप डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो वहाँ पर मिल जाएगा। AWS में 570 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, OBC में 549, SC कैटेगरी में 402 और ST में 385। बात करें असम की, तो असम के अंदर जनरल कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 580 बन रहा है दोस्तों, तो आपको यहां पर कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। AWS में 575, OBC में 573, SC कैटेगरी में 426 और ST में 449। बात करें दोस्तों अगर हम बिहार की, तो यहां पर आपका स्कोर होना चाहिए 602, कट ऑफ हाई रहती है। AWS में 590, OBC में 593, SC कैटेगरी में 453 और ST में 418 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 568 जनरल कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है। AWS की 548, OBC की 577, SC कैटेगरी की 451 और ST की 418। गोवा की बात करें तो यहां पर भी कट ऑफ कम ही रहती है। 569 पे आपको जनरल कैटेगरी से BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और AWS की कट ऑफ हाई रहती है 603 और OBC में 536 और SC में 418 एंड ST में 389। गुजरात की मैं बात करूँ तो 598 अगर आपका स्कोर है जनरल कैटेगरी से, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा BDS के अंदर। 579 AWS, 578 OBC, 458 SC कैटेगरी और 426 ST कैटेगरी। हरियाणा में दोस्तों, आप सभी जानते हैं MBBS की कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन BDS में अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा में 607 नंबर पे आपको जो है जनरल कैटेगरी से BDS मिल जाएगा। AWS 600, 595 OBC, 446 SC कैटेगरी और ST में 344, ये कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं HP हिमाचल प्रदेश की। 591 जनरल कैटेगरी से अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 589 के ऊपर दोस्तों आपको जो है गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल सकता है। झारखंड में 599 कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की, और कर्नाटका दोस्तों आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है प्राइवेट कॉलेज बहुत से हैं और वो भी सभी लगभग ओपन हैं, तो उसके बारे में दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाया है। बाकी दोस्तों, आप गवर्नमेंट BDS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 563 कर्नाटक स्टेट से आपका स्कोर होना चाहिए। केरला के अंदर कट ऑफ जो है 554 तक जा सकती है। मध्य प्रदेश में 595 अगर आपका स्कोर है तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा, नहीं दोस्तों बहुत कम चांसेज हैं। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 583 के ऊपर आपको गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल जाता है। मणिपुर 548 और न्यू दिल्ली दोस्तों आप सभी जानते हैं यहाँ पर तो कट ऑफ हाई रहनी ही है, 600 प्लस में आपको जो है BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो 580 स्कोर दोस्तों अगर आपका जनरल कैटेगरी से बन रहा है, OBC से 564, EWS से 571, SC कैटेगरी 423 और ST कैटेगरी 322। पुदुचेरी की बात करूँ 542 अगर आपका जनरल कैटेगरी स्कोर बन रहा है तो आपको मिलने के चांसेस हैं गवर्नमेंट BDS कॉलेजेज। पंजाब जो है दोस्तों 590, राजस्थान में 614, तमिलनाडु में 545, तेलंगाना के अंदर 580, त्रिपुरा में 547 और उत्तर प्रदेश में 603 अगर आपका स्कोर बन रहा है, और वेस्ट बंगाल में 597 स्कोर बन रहा है, तो आपको गवर्नमेंट BDS कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, जहां तक मेरा आइडिया है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर जो है इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और साथ में जल्द ही हम BMS की कट ऑफ भी डालने वाले हैं, इसी प्रकार BSc नर्सिंग की भी डालने वाले हैं, इसी प्रकार वेटनरी की भी डालने वाले हैं। साथ में दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेज जहाँ पर बजट कम है वहाँ की कट ऑफ क्या रहती है, पूरी कॉलेजों की लिस्ट आएगी, ओपन स्टेट की लिस्ट आएगी जहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू।